do that? Do the crop check on us? तो गाइज आप ये जो क्लिप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आज की रो के एपिसोड के दौरान सेथ रोलिंस पर अटैक करने वाले फैन की है जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस फैन ने सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक क्यों किया और अटैक करने वाला कौन था। नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज की रो के एपिसोड के दौरान एक अजीब वाकया देखने को मिला जब WWE के एक दर्शक ने एंट्रेंस रैंप पर सेथ रोलिंस के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल रो के इस एपिसोड के दौरान जब सेथ रोलिंस रिंग से बैक स्टेज की तरफ जा रहे थे तभी एक दर्शक ने उन पर जबरदस्त अटैक कर दिया था। यह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि इन दोनों को आपस में छुड़ाने के लिए WWE की सिक्योरिटी को बीच में आना पड़ा। हालांकि सेथ रोलिंस ने पूरी तरह से संयम बरता और उस शख्स पर हाथ नहीं उठाया। ऐसा बहुत कम बार देखने को मिलता है जब किसी सुपरस्टार पर अटैक हो जाए और सामने उसके ऊपर हाथ भी ना उठाया जाए। हालांकि अभी तक इस अटैकर के बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन WWE द्वारा एक स्टेटमेंट जारी कर इसके बारे में कुछ सूचना दी गई है। WWE द्वारा कहा गया है कि हम अपने सुपरस्टार्स की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और अटैक करने वाले फैन को WWE की एरिना से बाहर निकाल दिया गया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है और साथ ही इस दर्शक को WWE के भविष्य में सभी होने वाले इवेंट से बैन कर दिया गया है। पुलिस द्वारा इस शख्स के खिलाफ केस फाइल कर दिया गया है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि अभी तक इसके नाम को रिवील नहीं किया है लेकिन यह एक 24 वर्षीय पुरुष है जिसने WWE के टॉप परफॉर्मर सेथ रोलिंस के ऊपर अटैक किया था। अभी तक शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक सेथ रोलिंस पर अटैक करने का कारण उनका हील कैरेक्टर ही बताया जा रहा है। सेथ रोलिंस पिछले काफ़ी समय से WWE में विलन का किरदार निभा रहे हैं और वह इस किरदार को इस कदर निभा रहे हैं कि कभी कभार फैंस अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और उनसे सख्त नफरत करने लग जाते हैं और इतनी नफरत करने लग जाते हैं कि उन पर इस तरह का हमला भी हो जाता है। तो गाइज क्या है आपके ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।